हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एसएससी अपन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले सीडीएस एग्जाम 1 2 की, जो कि 2022 में हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। पहला क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है हमारी वेबसाइट पे, जाके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ फार्मलेट इज द शेप ऑफ अ रोम्बस एंड द पैरामीटर ऑफ द लैंड इज 100 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। द लैंड इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट, वट इज द एरिया ऑफ द ईच पार्ट। हमें बोला गया एक लैंड है जो कि रोम्बस के शेप का है, ठीक है। उसमें हमें क्या दे रखा है, उसका पैरामीटर दे रखा है, यानी पैरामीटर यानी रोम्बस का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a इक्वल टू में, तो 4a होता है। और हमें क्या बोला है, पैरामीटर 100 मीटर के इक्वल, यानी 4a इक्वल टू में 100 मीटर हो गया। अब यहाँ से हम a निकाल लेंगे, यानी साइड निकल गई 25 सेंटीमीटर। और हमें दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कि डायगनल हमें दिया है 14 मीटर, ठीक है। अब 14 मीटर अगर ले लेते हैं हम, एक किसी भी डायगनल को 14 मीटर मान लेते हैं, मैंने इस वाले डायगनल को 14 मीटर मान लिया। अगर दोनों डायगनल है तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मिड पॉइंट पे तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और हमें साइड एक मिल गई। क्या मिल गई, ये साइड अभी हमने निकाली 25। अब देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस निकाल के इसकी हाइट निकाल सकते हैं, किसकी, इस वाले की हाइट। ऐसा मैंने निकाल रखा हूँ, क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 25, हमें पता है ये ट्रिपलेट बनाता है, 25 का होल स्क्वायर क्या हो गया 625 हो गया, और 20 का क्या होगा 400। जब 625 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225, और 225 का होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 आ गया और ये 15 आ गया, तो दूसरा डायगोनल क्या मिल गया हमें, 13 मीटर मिल गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता ही है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ डी इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन हमें मिल गया 14 मीटर, जो कि ऑप्शन में गिवन था, 13 मीटर हमने निकाला है। यहाँ से कट कर देंगे तो ये 20 हो गया। अब 20 को 30 से इंटू करेंगे, 3 × 2 = 6, तो यहाँ से आ गया 600 मीटर स्क्वायर। 600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, रोम्बस का एरिया। हमें चाहिए था अगर डायगनल इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इच पार्ट का एरिया क्या होगा। तो अगर इस एरिया को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाता है, तो मतलब एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो इच पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 600 मीटर स्क्वायर को मैंने 4 से डिवाइड करा, यानी 150 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ इच पार्ट ऑफ द रोम्बस आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।